हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। एमबीपीएससी, एसएससी, व्यापम, बैंक, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट मेरा करंट अफेयर का ये वीडियो मई 2019 डेली करंट अफेयर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे 17th of May 2019 के करंट अफेयर के बारे में। उसके पहले अन अकेडमी पर जो है बहुत ही जल्द आपका एमबीपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके अंदर जो है मेरी लाइव क्लासेस रहेंगी, रोज 2 से 2.5 घंटा मैं आपको वहां पर लाइव कराऊंगा। और उसके लिए जो है आप मेरा जो कोड है रजिस्ट्रेशन के लिए, योर सिविल सारथी जो कोड है मेरा, इस कोड का उपयोग आप करें तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पर उसके अंदर मिल जाएगा। जैसे अगर 3000 प्राइस है उसका तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इसको मई के महीने में परचेस करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मैं अपनी तरफ से आप लोगों को वहां पर दे दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्द जैसे ही आता है 25 तारीख को, आप सबसे पहले उसको मेरे कोड के साथ में इसको जरूर रजिस्टर्ड करें। उसके अलावा मेरी डिफरेंट जो सोशल मीडिया की हमारे जो लिंक्स हैं उन लिंक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेरी वेबसाइट yoursivilsarthi.com से, तो वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ ही आपको वहां पे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उनको आप इनके ऊपर क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अभी इन सभी के लिंक्स जो है वो लिंक्स दी हुई है, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज की यहाँ पर बात करें 17 मई की, तो इंडिया जो है उसने क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन जो है इनिशिएटिव यहाँ पे साइन किया है। बेसिकली आपको पता है क्राइस्टचर्च इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड और वहां पर रिसेंटली अभी जो है अप्रैल के महीने के अंदर एक टेररिस्ट एक अटैक हुआ था, जिस टेररिस्ट अटैक के अंदर वहां पर कई सारे लोगों की वहां पर डेथ हो गई थी। ये हमला एक वहां पर एक मस्जिद के ऊपर हुआ था और वो पूरा जो मैटर है वो सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुआ। और जो भी पूरा हमला हुआ था, तो जो व्यक्ति जिसने हमला किया था वो उस समय फेसबुक के ऊपर लाइव था, वो लाइव उसने वहां पर हमला जो है सब कुछ वहां पे दिखाया था, ठीक है। तो वो उसके कारण जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, काफी उसके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए गए थे। और उसके बाद फिर बेसिकली वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया, इट्स कॉल्ड द क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। और इसके अंतर्गत जो है दुनिया के जो बड़े देश हैं सभी बड़े देशों ने वहां पर क्राइस्टचर्च के अंदर एक उन्होंने एग्रीमेंट किया या फिर एक कन्वेंशन उन्होंने यहाँ पे शुरू किया, जिसके अंतर्गत इंटरनेट को और ज्यादा सिक्योर बनाया जाए। इंटरनेट के ऊपर इस तरह की कोई फेक न्यूज या फिर कोई टेररिस्ट अटैक या इस तरह की किसी भी अटैक की जो न्यूज है उस न्यूज को स्प्रेड होने से, उसको फैलने से रोकने के लिए यहाँ पे कई देशों ने यहाँ पे समझौता किया है। टोटल अभी तक 18 देशों ने इसके ऊपर यहाँ पर सिग्नेचर किया है। इसका जो साइनिंग है वो पेरिस के अंदर एक समिट हुई थी, उसके अंदर इसके ऊपर यहाँ पर साइन किया गया। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कंट्रीज ने साइन किया, उसके अलावा कई सारी टेक्निकल कंपनीज हैं, उन टेक्निकल कंपनीज जो उसके अलावा सरकारों ने भी इसको यहाँ पे साइन किया है। भारत ने भी इसको एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है जसिंडा अर्डन और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है इमैनुएल मैक्रॉन, उन्होंने मिलकर इस इनिशिएटिव को, क्राइस्टचर्च कॉल को वहां पर लेके आए। और उसके बाद इस तरह का जो ऑनलाइन आपका जो एक्सट्रीमिज्म फैलाने वाली जो चीजें हैं उनको रोकने के लिए काम करने के उन्होंने यहाँ पर इस एग्रीमेंट को लाया है। इट्स नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, बाइंडिंग नहीं है, आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, आप चाहो तो इसको पालन करो चाहो तो ना करो, ठीक है। 18 कंट्रीज के अंदर इंडिया के अंदर शामिल है, साथ ही यूरोपियन यूनियन और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज उसके अंदर हैं। उसके अलावा जो बड़े ऑनलाइन कंपनीज, ऑनलाइन टेक कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ट्विटर, इन सभी ने भी इसको यहाँ पर साइन किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह का कोई भी अगर इनिशिएटिव होता है तो उसको वहां पर वो रोकने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो क्राइस्टचर्च कॉल टू एलिमिनेट द टेररिज्म एंड वायलेंस एक्सट्रीमिज्म कंटेंट ऑनलाइन, ठीक है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो केरला असेंबली जो है उसने अपने सभी रिकॉर्ड, जितने भी उसके पास रिकॉर्ड्स हैं, उन सभी रिकॉर्ड्स को यहाँ पे ऑनलाइन दर्ज करने की यहाँ पर एक मुहिम यहाँ पे स्टार्ट की है। द इनिशिएटिव इज कॉल्ड ई विधान, उसको यहाँ पे कहा गया है। और पूरी तरीके से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके, उन सभी रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डिजिटल फॉर्म के अंदर, पेपरलेस फॉर्म के अंदर यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए कि विधानसभा के अंदर या फिर संसद के अंदर जो भी मेंबर्स बात बोलते हैं वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रिकॉर्ड होती है। जो भी अगर वो बोलते हैं हेलो नमस्कार मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, इतना भी बोलते हैं स्पीकर मैडम, या जो भी वर्ड बोलते हैं ईच एंड एवरी वर्ड जो है वहां पर रिकॉर्ड होता है, वहां पर लिखा जाता है। और अभी संसद के अंदर तो है वहां पर ऑनलाइन सब चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी विधानसभा ने यहाँ पे इन्होंने कहा है केरला ने कि अभी यहाँ पे हम इसको पूरा जो ऑनलाइन है इस पूरे सिस्टम को डिजिटल यहाँ पर पूरे सिस्टम को यहाँ पे करेंगे, पेपरलेस बनाने की यहाँ पे
कोशिश करेंगे। तो हर चीज वहां पर रिकॉर्ड होती है और उस रिकॉर्ड को जो है पहले टाइप कर किया जाता था, मतलब रिकॉर्ड किया जाता था, उसके बाद उसको टाइप किया जाता था या फिर उसको वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करके उसके प्रिंटआउट्स वगैरह रखे जाते थे, लेकिन अब जो है सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन रखा जाएगा। ठीक है, तो सेम ई संसद करके पार्लियामेंट के अंदर भी ये इनिशिएटिव लिया गया था कि वहाँ पे सभी रिकॉर्ड्स हैं ऑनलाइन यहाँ पे रखे जाएंगे। इवन वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों को ऑनलाइन रखा जाएगा। और उसके पहले आपका जो आंध्र प्रदेश जो सरकार थी वो पेपरलेस ऑलरेडी इसको कर चुकी है, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह या कोई बिल वहाँ पे पुट अप किया जाता है सभी वो जितने भी MLAs हैं वहाँ पे उनके लैपटॉप के ऊपर या फिर उनके टैबलेट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ जाती है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, इससे पेपर भी बचेगा और इन चीज़ों का एक्सेस जो है वो एक्सेस हम लोगों के लिए और खुद पार्लियामेंट्री जो है उनके लिए यहाँ पर बहुत आसान होगा। तो इसमें आप जितनी भी कमेटी रिपोर्ट्स हैं या क्वेश्चन आर की डिबेट्स वगैरह हैं सब कुछ आपको इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो नेपाल की कामी रीटा शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट फॉर द 23rd टाइम, 23वीं बार जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर यहाँ पे फतह जो है वो फतह उन्होंने यहाँ पे हासिल की है। शी इज 49 ईयर ओल्ड, नेपाली शेरपा है जिनका नाम है कामी रीटा, और अभी इसके पहले 2018 के अंदर उन्होंने 22वीं बार फतह हासिल की थी, देन 23rd टाइम। ठीक है, तो ये उन्होंने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है, उसके बाद पहले 22 बार चढ़ने का रिकॉर्ड उसके अलावा भी कई लोग बना चुके थे। ठीक है, तो ये नेपाल के साइड से वहां पर उसके ऊपर चढ़ते हैं, ऑफ द हाइट ऑफ 8850 मीटर जो हाइट है एवरेस्ट की वहां पर ये चढ़ती हैं। और इसके 1992 के अंदर इन्होंने पहली बार इस तरीके से जो एक्सपेडिशन है वहां पे किया था, पहली बार अपना जो पर्वतारोहण का काम है वो उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया था, और अभी जो है वो 23वीं बार यहां पर वो यहां पे चढ़े हैं। तो ये काफी बार इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है, पहली बार जब शुरू में एक दो बार चढ़े, उसके बाद ये कई सारे ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के साथ में चढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन एक बार किसी एवलेंचर अटैक के कारण, एक जो है वो भूस्खलन के कारण काफी लोगों की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ूंगी। है ना, शेरपा क्या होता है, शेरपा जो है अभी जो आपका माउंटेनियस रीजन है आपके हिमालय का और नेपाल का, वहां पर जो रहने वाले जो एथनिक कम्युनिटी है, वहां पर रहने वाले जो एथनिक ग्रुप है, इन एथनिक ग्रुप को जो है वो शेरपा इनको कहा जाता है ना। शेरपा वर्ड का मतलब होता है, शेर का मतलब होता है ईस्ट और वा का मतलब होता है पीपल, मतलब ईस्ट के अंदर रहने वाले लोग, ये उसका पीपल फ्रॉम द ईस्ट, इसका शेरपा का मेन मतलब होता है। आर्मी के अंदर भी शेरपास होते हैं, इवन आपके आर्मी के अंदर भी कुछ हायर पोस्ट होती है उनको शेरपा कहा जाता है। ठीक है, तो ये शेरपा जो है वो वर्ड यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे आया है ना, इट्स जनरली ग्रुप ऑफ पीपल जो उस एरिया के अंदर वहां पे रहते हैं। अगली खबर की बात करें तो भारत के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर जो है उनको फिजी के कोर्ट के अंदर यहाँ पे, फिजी का सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर मदन लोकुर को जो है वहां पर अपॉइंट किया गया है। उसके अंदर फिजी के अंदर नॉन रेसिडेंशियल जो पैनल उनका होता है, मतलब जो देश के अंदर नहीं रहने वाली ऐसी वहां की सुप्रीम कोर्ट की पैनल जो है उस पैनल के अंदर यहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया है। और ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, जो मदन बी लोकुर रिटायर्ड जस्टिस हैं, एंड अभी इनको वहां पर जो टेन्योर है उनका 3 साल के टेन्योर के लिए वहां पर फिजी के अंदर यहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो एक नया टाइप का रिसाइकलेबल प्लास्टिक, इट्स कॉल्ड द पॉली प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर पॉली के नाम से यहाँ पर लॉन्च हुआ है। इट्स बेसिकली जो उसका टेक्निकल नाम है उसका नाम है डिकेमोनियन या फिर PDK उसको कहा जाता है। तो ये जो है वो इजीली इसका रिसाइकल जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि इसको रिसाइकल किया जा सकता है, तो उसके अंदर यहाँ पे जब इसको लॉन्च किया गया तो यहाँ पर बताया गया कि नॉर्मल जो आपका प्लास्टिक होता है उसके जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण वो टूट नहीं सकते, लेकिन ये जो रिसाइकलेबल पॉली डिकेटोनियन है ये, इसको आप अगर एक हाईली जो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक या फिर आपका जो बहुत ज्यादा एसिड वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर डालोगे तो इसके बॉन्ड्स जो है वो वीक हो जाएंगे, और उसके बाद आप दूसरे फॉर्म के अंदर इसको वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यू कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू अदर मटेरियल। ठीक है, डंकिंग करके दूसरे मटेरियल के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी काफी अच्छी चीज है कि उसका मल्टीपल यूज उस जो प्लास्टिक है उसका वहां पे किया जाएगा। तो अभी बेसिकली ये एक तरीके से टेस्ट पर्पस पे चल रहा है। ठीक है, तो टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, अब देखते हैं मार्केट के अंदर इस तरीके से रिसाइकल जो है वो प्लास्टिक कब लॉन्च होता है। अभी भी कई रिसाइकल प्लास्टिक मार्केट के अंदर है लेकिन वो इतने ज्यादा कारगर, इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके, सो
अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो शिप है इट्स कॉल्ड द विग्रह, उसको आर्मी से मतलब इंडियन नेवी से यहाँ पे डीकमीशन कर दिया गया है इन द विशाखापट्टनम। ठीक है, मतलब उसकी सेवाएं जो है सेवाएं यहाँ पर इसके अंदर समाप्त कर दी गई है। पहली बार यहाँ पे ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल ओपीवी जो है वो इट इज अ फ्रंट लाइन ओपी ऑफलाइन आपका ऑफशोर पेट्रोल भी वेसल है जो अभी फ्रंट के ऊपर जाके हमारे जो तट हैं उन तटों की वहां पे रक्षा, वहां पे गश्ती के तौर मतलब गश्त करने के तौर पे यहाँ पे सर्विस करता था। 12 अप्रैल 1990 को, 12 अप्रैल 1990 को पहली बार इसको कमीशन किया गया और उसके बाद लगातार यहाँ पे काम कर रहा था। इट इज अ सेवेंथ ओपीवी आपका ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल जिसको मजगांव डॉक लिमिटेड जो है आपका गोवा के अंदर उसके द्वारा इसको सॉरी मुंबई के अंदर इसको द्वारा मजगांव के द्वारा इसको यहाँ पे बिल्ड किया गया था। एंड इट्स अ थर्ड क्लास ऑफ द ओपीवी जो सीरीज है उसका तीसरा यहाँ पर लॉन्च था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे श्रीलंकन नेवीज के अंदर और जो कई जगह उसने अपने जो सेवाएं हैं अलग अलग समय पे लीज वगैरह के ऊपर अपनी सेवाएं वहां पर इसने दी है। ठीक है, अभी उसके बाद फिर उसको इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जनवरी 2019 के अंदर फिर से रिकमीशन किया गया श्रीलंका से लाने के बाद, और अब बेसिकली उसको डिकमीशन पूरी तरीके से यहाँ पे कर दिया गया है। एक अगले अवार्ड की बात करें तो ससाकावा अवार्ड जो 2019 है वो अवार्ड जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR उसका जो समिट चल रहा है उसने भी यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा उनको ये जो अवार्ड है वो अवार्ड यहाँ पे दिया है। उसके जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है नरेंद्र मोदी जो सरकार है उनके एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और उनको ये अवार्ड जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर यहाँ पे दिया गया है। तो अभी आप देखोगे कि अभी जो फैनी तूफान आया था उसके अंदर हमने काफी अच्छे तरीके से काम किया, उसके अलावा कई सारे डिजास्टर्स वगैरह आए थे तो उसके अंदर हमने बहुत इफेक्टिवली हमने काम किया है और उसके लिए जो अवार्ड है यहाँ पे प्रमोद कुमार जो मिश्रा है एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर उनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है वो 30 साल 30 साल पहले जो इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था एंड इट ऑर्गेनाइज बाय द यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है कि जो आपदा प्रबंधन की जो रिस्क है उसको कम करने का जो इनिशिएटिव है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा और निपॉन फाउंडेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द लेक्चर और आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपवोट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस डेली करंट अफेयर को देख सके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।